देवास मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर के पास स्थित एक कस्बा है जो कि अपने उद्योगों एवं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम इसके इतिहास पर एक सरसरी नजर फेरेंगे। देवास शहर का नाम यहाँ पर स्थित माँ चामुंडा और तुलजा भवानी माता के मंदिर पर पड़ा है जो कि देववासिनी पहाड़ी पर स्थित है। इसी देववासिनी पहाड़ी से बना शब्द देवास जिसका अर्थ है देवस्थान या देवों का घर। देवास पर ईएम फोस्टर द्वारा लिखित किताब द हिल ऑफ देवी को भी आप पढ़ सकते हैं। देवास का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है मराठा काल से जब पेशवा बाजीराव अपने सेनापतियों के साथ मालवा पर आक्रमण करते हैं तथा मालवा रियासत को बराबर बराबर अपने सेनापतियों में बांट देते हैं। यहीं देवास का जो हिस्सा रहता है वह दो पवार बंधुओं जो कि मराठा सेना के वीर सेना नायक थे तुकोजीराव पवार तथा जीवाजीराव पवार को दिया जाता है। दोनों भाइयों ने रियासत को दो भागों में बांटकर उस पर राज किया। उनके वंशजों ने भी इस मर्यादा को बनाकर रखा। सन 1841 के बाद यह बंटवारा देवास के मुख्य सड़क के दोनों ओर लगभग बराबर बराबर कर दिया गया। दोनों का प्रशासन भी अलग अलग चलता था, यहाँ तक कि पानी और बिजली का प्रबंधन भी अलग अलग था। जो रियासत तुकोजीराव पवार को दी गई वह रियासत देवास सीनियर के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा जो रियासत जीवाजीराव पवार के हिस्से में आई उस रियासत को देवास जूनियर का नाम। इसी तरह से देवास ब्रिटिश काल के अधीन भी चलता रहा तथा जब भारत आजाद हुआ तो देवास मध्य भारत का हिस्सा बना और 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। और आज हम देवास के लोकप्रिय विधायक महाराज तुकोजीराव पवार चतुर्थ को तो जानते ही हैं। उनके बाद उनके पुत्र महाराज विक्रमराव पवार द्वितीय आज देवास की जनसेवा कर रहे हैं। तो यह थी देवास के इतिहास के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी।